हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। जैसे कि पता है आप लोगों को कि SSC का Tier 2 होने वाला है और उसमें GS भी आने वाला है और कंप्यूटर सेक्शन भी आने वाला है, और GS आएगा तो उसमें करंट अफेयर्स भी आएगा। तो हमने क्या किया है, इस पेपर में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं GS के पेपर, तो उससे हमने एक प्लान बनाया है। देखो किस हिसाब से बनाया है, जो चैप्टर जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा उसको आपको रैंकिंग में ऊपर मिलेगा कि आपको पहले कवर करना है। सिंपल पॉलिटी में भी देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में देखिए, जो बाद में आएगा जिसमें कम क्वेश्चन आएंगे और जिससे बहुत कम क्वेश्चन आएंगे इवन उसको स्किप भी कर दूंगा, स्किप भी कर दिया। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं क्योंकि आपको पहले इसको कवर कर लेने हैं। और इसको कहाँ से कवर करना है, क्राउन का वीडियो मैंने बनाया आपको वहाँ से कवर करना है। पिनेकल से सेम टॉपिक आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप ऐसा कर सकते हो एक टॉपिक आज पढ़ा उसका 2 दिन बाद प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे आपको पता चला कि 2 दिन पहले पढ़ा हुआ चीज़ हमको याद आ रहा है कि नहीं। और करेंट अफेयर्स आप किसी जो भी मैगजीन से कर रहे हो, मैं SPD और एडिटोरिया दोनों करा रहा हूँ, तो आप दोनों में से कोई भी एक मैगजीन से कर सकते हो। पहले ऐसे क्वेश्चन करना, पहले नेशनल करंट अफेयर्स वगैरह करना, पहले जो बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है उसको करने का कोशिश नहीं करना, लाइक अपॉइंटमेंट, पर्सन इन न्यूज, ये सब नहीं, वो थोड़ा बाद में। पहले ऐसे टॉपिक जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक रिलेटेड जो है, इंडेक्स वगैरह सब, स्कीम, ये सब पहले कर लेना। तो यहाँ पे टाइम देना और बाकी आप देख लेना। ये आप बीच में, मैंने हर 5 दिन के बाद एक रिवीजन रखा है कि आप ये सब रिवाइज कर लो, या कोई टॉपिक आपको लगा है कि छूटा हुआ है तो कर लो। पार्लियामेंट के मैंने 2 दिन दिए हैं, ठीक है। और क्योंकि आपको उतना डीप में करना नहीं है, ठीक है, क्राउन में जो दिया है वो आप वीडियो के फॉर्म में देख लेना। एक एक चीज़ बताया हुआ, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ मैंने BPSC के लिए बनाया था, तो उसमें बता सकता हूँ, BPSC के लिए बनाया था, वहाँ पे बता सकता हूँ कि क्राउन का वीडियो, क्राउन से पार्लियामेंट कितने में, कितने वीडियो में बना हुआ है। लेकिन BPSC के लिए तो हमने लक्ष्मीकांत भी बनाया है, लेकिन लक्ष्मीकांत आपको करना नहीं है, सिर्फ क्राउन कवर करना है। तो यहाँ से वो भी पता चल जाए। इवन इस आपको अगर किसी को चाहिए ये वाला प्लान, तो ये भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम पिनेकल वाली कर रहे हैं। पिनेकल वाली में एंशियंट हिस्ट्री पूरा कवर है, मेडाइवल हिस्ट्री पूरा कवर है, मॉडर्न हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, गांधीयन एरा वाला हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चन, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। लेकिन गांधीयन एरा वाला 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो वो चारों, 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, एक रिपीटेड है। तो पहले वो 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये करेंगे। इसके बाद क्या है मैं देख ले रहा हूँ, इसके बाद पहले एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एरा, उसके बाद है रिवॉल्यूशनरी, काफ़ी क्वेश्चन इससे आप देखना, मैंने प्लान में इसको पहले रखा है। आप देखो रिवॉल्यूशनरी वाले ग्रुप को देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे रिवॉल्यूशनरी को मैंने गांधी नेरा के जस्ट बाद रखा है कि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस मैंने रखा है, फिर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स रखा है, ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसी रखा है, उसके बाद INC एंड मॉडरेट्स, उसके बाद कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक होगा, तो आप यहाँ कर लेना। इन 2 दिन मैंने दे दिया इसके लिए, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो कि कितना जल्दी हम कवर कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन है। सेम कंप्यूटर के लिए हम लोग 1 से 2 दिन में स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो हम पिनेकल वाली, रिवॉल्यूशनरी वाला चैप्टर करने से पहले ब्रिटिश का एक्सपेंशन डिस्कस करते हैं, और उससे पहले गांधी नेरा वाला 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो बस 4 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। चलो, इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन खेरा। गांधी जी ने जब मूवमेंट स्टार्ट की भारत में, तो सबसे पहले कहाँ कहाँ किया, सबसे पहले किया चंपारण में, फिर अहमदाबाद में, फिर खेरा में। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको टाइम लाइन पता होना चाहिए, चंपारण कहाँ पे है, बिहार में, अहमदाबाद गुजरात में, खेरा भी गुजरात में है। तो गांधी जी ने क्यों यहाँ पे जो सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था, खेरा को हम बोला, पता है क्या बोलते हैं, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। चंपारण को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं। अहमदाबाद को क्या बोलते हैं, फर्स्ट मास स्ट्राइक बोलते हैं। तो तीनों अलग अलग मूवमेंट, अलग अलग टाइप के मूवमेंट है। सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया, क्योंकि देखो वो होता क्या था कि अगर कुछ एपिडेमिक या क्रॉप फेल्योर हो गया, तो ऐसा लिखा था कि अगर आपका क्रॉप का प्रोडक्शन, तो
मैंने क्या होता है कि ऐसा था ना कि अगर प्रोडक्शन आपका 1/4 से कम हो तो आप, मतलब ब्रिटिश एक्ट में था कि आपको टैक्स वगैरह नहीं देने, लेकिन उसके बाद भी ब्रिटिश मांग रहा था। तो ये मेन कारण है कि पीजेंट हु वेर अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेल्योर एंड प्लेग एपिडेमिक, इसके बाद भी ब्रिटिश टैक्स मान रहे थे बहुत, ठीक है ना। वुमेन हु आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द ऑप्रेसिव पेट्रियार्कल सिस्टम, नहीं नहीं ये नहीं था। ट्राइबल हु कस्टमरी राइट व्हेन वायलेटेड, नहीं। कॉटन मिल वर्कर, नहीं, ठीक है ना। तो डी करेक्ट ऑप्शन है। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, 1931 में हुआ। क्यों, किसके बाद हुआ, बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। तो ब्रिटिश शक पका गए, उनको चाहिए था कि, और इस समय बैकग्राउंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी चल रहा था। तो गांधी इरविन ने एक पैक्ट किया, पहले इरविन भी नहीं माने थे, बाद में इरविन माने, एक पैक्ट किया जिसके बाद क्या करना था कि ये दोनों आपस में बात करते, कुछ पॉइंट पे सहमति निकलती। उसके बाद इरविन ने बोला कि सर आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही जाके बात कीजिएगा ना, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए राजी हो गए महात्मा गांधी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए, लेकिन बी आर अम्बेडकर साहब तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए, क्वेश्चन आ चुका है। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन, देखो पहला कंडीशन, द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड स्टॉप द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। हाँ, ये बात पर मान गए गांधी जी। रिमूवल ऑफ सॉल्ट टैक्स, अलाउंग टू प्रोड्यूस ट्रेड एंड सेल लीगली, मतलब क्या कर सकते हैं लोग, अब लीगल तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और बेच बात कर सकते हैं छोटे लेवल पे। लेकिन विड्रॉल ऑफ टैक्स ऑन खादी प्रोडक्शन, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये वाला चीज नहीं हुआ। पार्टिसिपेशन, हम मान तैयार हो गए कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। सरोजनी नायडू भी गई थी गांधी जी के साथ। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, मतलब ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन नॉट कौन सा कंडीशन नहीं है, तो ये, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। महात्मा गांधी फॉर्म्ड द नेटल इंडियन कांग्रेस, ये कब बनाया था, 1894 में। ये कहाँ पे बनाया था, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स बुक इज द कलेक्शन ऑफ हुज स्पीचेस एंड नोट्स, किनके स्पीच और नोट्स का ये कलेक्शन है, ये है महात्मा गांधी जी का। और इनका, जैसे महात्मा गांधी जी का बुक का हो गया, सरदार पटेल जी के किताब का नाम, वो ज़्यादा किताब नहीं लिखे हुए हैं, ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे आप राजेंद्र प्रसाद जी के किताब का नाम, एक एक किताब बहुत फेमस है, इंडिया डिवाइडेड, ये किताब है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, ये आपको पता है, द हिंदी व्यू ऑफ लाइफ उनकी किताब का नाम है, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। जवाहरलाल नेहरू का द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हु सेड डैट फॉलोइंग वर्ड, ए फ्लैग इज ए नेसेसिटी फॉर ऑल नेशन, ए फ्लैग इज ए नेसेसिटी फॉर ऑल नेशन, मिलियंस हैव डाइड फॉर इट। ये किताब, ये जो लाइन किन्होंने बोले थे, महात्मा गांधी ने बोली थी, ए फ्लैग इज ए नेसेसिटी फॉर ऑल नेशन, मिलियंस हैव डाइड फॉर इट। उसके बाद इनकी, इन और भी लोगों का थोड़ा स्टेटमेंट है, जैसे सरोजनी नायडू जी का स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं एक बता दूँ, एक स्टेटमेंट, इनको भारत कोकिला बोला जाता है, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 में। इन्होंने बोला था, ए कंट्रीज ग्रेटनेस लाइज इन इट्स अंडरलाइंग आइडिया ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस डैट इंस्पायर द मदर्स ऑफ द रेस, ठीक है ना। और जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, द आर्ट ऑफ पीपल इज अ ट्रू मिरर टू देयर माइंड्स। बीकाजी कामा ने कहा था, इंडिया मस्ट बी फ्री, इंडिया मस्ट बी रिपब्लिक, इंडिया मस्ट बी यूनाइटेड, इंडिया मस्ट बी फ्री, मस्ट बी रिपब्लिक, मस्ट बी यूनाइटेड। ये काफी अच्छा स्टेटमेंट बोला था। चलिए, अब एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल की बात करते। क्वेश्चन, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
कैप्चर पौंडीचेरी जिसको अब पुडुचेरी बोलते हैं, फ्रॉम फ्रेंच किस साल में? करेक्ट आंसर है 1761, क्योंकि एक वॉर हुआ था ना फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच, वॉर का क्या नाम था, कैरनेटिक वॉर, कई सारे वॉर हुआ था। चलिए, विलियम हॉकिंग्स मेट एम्परर जहांगीर, जहांगीर किंग कब बना? 1605 में। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तब उस समय मुगल का राजा कौन था, यह था अकबर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1600 में, और अकबर कब हटा? 1605 में। एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डैश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बने थे, इसीलिए जहांगीर ने विलियम हॉकिंग्स को क्या बोला था, खान का उपाधि दिया था, इंग्लिश खान का उपाधि दिया था, और एक मनसब भी दिया था, मनसब मनसबदारी सिस्टम जो था ना, ठीक है ना? और इतना क्लियर है। चलिए, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर डैश इन डैश, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। देखो कई जगह यहाँ पे 1651 लिखा है और कई जगह पे 1665 लिखा है, तो ये हुगली रिवर पे हुआ था, एक बार थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा। इन हुई ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज दीवानी ऑफ बंगाल, बंगाल का दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में गया, ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? 1764 में, तो ये अगले साल हुआ 1765 में। आपको पता है ना बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और इसके बाद दो तरफ दो लोग थे, एक तरफ थे एम बी ए वर्सेस बी ब्रिटिश, इधर थे एम बी ए मतलब मुगल बंगाल और अवध। मुगल के तरफ से कौन थे? शुजाउद्दौला, बंगाल के तरफ से मीर कासिम, अवध के तरफ से शुजाउद्दौला। और क्योंकि इनकी हार हुई तो हार के बाद एक ट्रीटी साइन हुआ ना ट्रीटी, और ट्रीटी कौन सा साइन हुआ? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, याद रखिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ। और इसके बाद सबको कुछ कुछ देना पड़ा, बंगाल को कुछ देना पड़ा, तो जो बंगाल की दीवानी चली गई ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, और एक और चीज़ बंगाल बिहार उड़ीसा, इस तीनों की दीवानी चली गई थी, याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना कि 1664 के बाद, 1764 के बाद एक नया सिस्टम आया, ड्यूअल गवर्नमेंट आ गया बंगाल में। एक था डेपुटी दीवान का पोस्ट आ गया जिस पे बैठते थे अंग्रेज, और इसके इसके साथ ही एक गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट आया, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल ब्रिटिश में, ब्रिटिश अपने तरफ से बना रहे थे, ये थे लॉर्ड क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड क्लाइव। और ये गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट कब खत्म हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और इस पोस्ट का नाम क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग। व्हिच मॉन्यूमेंट्स वाज बिल्ट इन 1924 टू वेलकम किंग जॉर्ज फाइव एंड क्वीन मैरी, कौन सा मॉन्यूमेंट्स, कौन सा स्मारक बनाया गया था 1924 में ताकि किंग जो जॉर्ज फाइव था उसको वेलकम किया जा सके और क्वीन मैरी को भी वेलकम किया जा सके? क्लियर? लेकिन ये जो डेट है ये गलत लिखा हुआ है, डेट है 1911 में, सो सॉरी मैंने क्या बताया था, ये मैं आपको उल्टा चीज बताया था, 1911 में आए थे किंग जॉर्ज, उनके आने के कमोमरेट में इसको बनाना स्टार्ट किया गया 1913 में, लेकिन लेकिन ये बन के तैयार हो गया 1924 में, ये डेट सही लिखा है, मैं उल्टा समझ गया था। ये कौन है? गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, बॉम्बे में है। इन व्हिच ईयर डिड ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर द दीवानी ऑफ बंगाल, सेम क्वेश्चन है रिपीटेड। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट सेट अप बाय कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कब हुई? रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1773 में। ELPH एल्फी इनके पहले जज थे, मतलब चीफ जस्टिस थे, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे प्लस तीन जज थे, याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट में वॉरेन हेस्टिंग। हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन्ड द फेमस स्ट्रक्चर ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया,
ये है जॉर्ज विटेट किस स्टाइल में? ऑब्वियसली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है ना, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में है। द विक्टोरिया मेमोरियल कंसीव बाय लॉर्ड कर्जन रिप्रेजेंट द आर्किटेक्चरल क्लाइमेक्स ऑफ डैश सिटी। लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी एक्ट लाया था 1904 में, ये पता है। बंगाल को पार्टीशन किया था, बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? 1905 में 16 अक्टूबर के दिन, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल जो बना गया, अब तो ये म्यूजियम टाइप का है, ये कोलकाता में है। क्लियर। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर वॉज इंडेड विद द साइन ऑफ, कौन से ट्रीटी साइन के बाद ये खत्म हुआ? एंग्लो म्यानवार वॉर। इसमें तो ज्यादा करना नहीं, ये ट्रीटी ऑफ यांदवो याद रखना, ट्रीटी ऑफ यांदवो। बिहार दिवस एक्चुअली सेलिब्रेटेड ऑन डैश टू कमेमोरेट द डे बिहार वॉज कार्व्ड आउट, ये 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को। आपसे पूछा किस एक्ट के थ्रू ये अलग राज्य बना, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है। उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936। झारखंड कब अलग हुआ था? 2000। द लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद, यह है मीर उस्मान अली खान। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे रिवॉल्यूशनरी वाले का, इसमें हम ब्रिटिश एक्सपेंशन डिस्कस कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, प्लान जरूर ज्वाइन करना, आपको कोई भी डाउट हो, इवन SSC का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। प्लान के साथ ही Tier 2 के लिए अलग है, Tier 1 Tier 2 एक साथ के लिए अलग है, आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।